नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट का। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के सारे बड़े दिग्गज एमपी के रण में हुंकार भर रहे हैं। भाजपा का टारगेट सभी 29 सीटें जीतना है, तो कांग्रेस का लक्ष्य कुछ सीटें जीतकर इज्जत बचाना है। दोनों के निशाने पर छिंदवाड़ा टॉप पर है। बीजेपी मोदी की आंधी में इस सीट पर फतेह नहीं कर पाई, इसलिए वह हर हाल में यह सीट जीतना चाहती है। वहीं कांग्रेस की अंतिम कोशिश है कि कम से कम इस बार भी छिंदवाड़ा तो बच जाए। इसी पर आज हमारी रहेगी बिग डिबेट, देख लेते हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट। अब की बार 400 पार की चुनावी नारे को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में उसके टारगेट पर मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करना भी है। पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में 28 सीटों पर फतह हासिल करने वाली बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा तभी अभेद गढ़ बना रहा। मोदी की आंधी में कांग्रेस के महाराजा और राजा तक चुनाव हार गए, लेकिन देश के दिग्गज नेताओं में शुमार कमलनाथ अपना गढ़ बचाने में सफल रहे। उनका बेटा नकुल नाथ उस छिंदवाड़ा से सांसद बन गया, जहां से कमलनाथ 9 बार लोकसभा गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ का प्रेशर और पॉलिटिक्स मोदी की आंधी को रोकने में सफल रही, इसलिए भाजपा का सारा जोर छिंदवाड़ा फतह पर है, जहां से भाजपा आज तक सिर्फ एक बार 1997 के उपचुनाव में ही जीत पाई है। भाजपा के दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को पटकनी दी थी। भाजपा उस इतिहास को दोहराना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक सभी दिग्गज नेता मिशन छिंदवाड़ा की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब जीत के लिए इमोशनल दाव भी खेला जा रहा है। कमलनाथ और उनके बेटे को बाहरी बताकर छिंदवाड़ा की अस्मिता का सवाल उठाया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय नेता को सांसद बनाने की अपील भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक कर रहे हैं। जब बंटी साहू के लिए वोट मांगने आए हैं, तो ये बंटी साहू का वोट और बंटी साहू को एमपी बनाना, ये अकेला बंटी साहू को सांसद बनाना नहीं है, ये देश को मजबूती प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त करना है, इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। अब तक अजय गढ़ है छिंदवाड़ा। संजय गांधी ने 1980 में कमलनाथ को छिंदवाड़ा भेजा। छिंदवाड़ा से कमलनाथ 9 बार जीत कर लोकसभा पहुंचे। 1996 में हवाला मामले के चलते टिकट नहीं मिला। कमलनाथ की पत्नी अलका नाथ सांसद चुनी गई। 8 महीने बाद ही अलका नाथ का इस्तीफा हो गया। 1997 के उपचुनाव में कमलनाथ को पटवा ने हराया। 2019 के चुनाव में बेटे नकुल को मैदान में उतारा। एक बार फिर नकुल नाथ है छिंदवाड़ा से प्रत्याशी। बीजेपी इस बार हर दांव खेलकर जीतने की फिराक में। पिछले चुनाव में बमुश्किल बची छिंदवाड़ा सीट के अजय योद्धा माने जाने वाले पूर्व सांसद कमलनाथ किसी भी तरह सीट बचाने की कोशिश में लगे हैं। बेटे को लगातार दूसरी बार लोकसभा भिजवाने के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस को अपने हाल पर छोड़कर छिंदवाड़ा में डेरा जमा लिया है। इसके लिए वे भी इमोशनल दांव खेलने से चुप नहीं रहे हैं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी, मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी, अपने परिवार की ओर नहीं देखा, अपने स्वास्थ्य की ओर नहीं देखा कि छिंदवाड़ा की पहचान हो। ये ऐसा जिला था 45 साल 44 साल पहले। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मिशन 29 सिर्फ चुनावी नारा नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। महाराजा और राजा के गढ़ को भेदने वाली भाजपा कमलनाथ के गढ़ को हर हाल में ढहाना चाहती है। इसके लिए पार्टी के सारे दिग्गज मिलकर हर दांव खेलने को तैयार है। इसी क्रम में छिंदवाड़ा जिले को 2 हिस्सों में बांटने का काम राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है। अब बाकी काम पार्टी के दिग्गज कर रहे हैं। आखिर दांव पर छिंदवाड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस बिग डिबेट में ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं गुंजन चौकसे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं अमित ताबड़े, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश निगम। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं गुंजन चौकसे जी, आपसे ही पहला सवाल होगा। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, मोदी की आंधी चली तब भी ये किले को नहीं भेद पाई थी बीजेपी, इस बार क्या रणनीति होगी बीजेपी की?
देखिए, कांग्रेस की गढ़ की जो आप बात कर रहे हैं तो ये कांग्रेस का गढ़ नहीं है, ये कांग्रेस के परिवारवाद का गढ़ है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का गढ़ है। आप जैसे कि अभी आप हम सुन रहे थे 45 वर्षों से कमलनाथ जी छिंदवाड़ा पे कमलनाथ जी के नाम पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो मैं पहले तो कांग्रेस से पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से कि क्या कांग्रेस में कमलनाथ जी के अलावा छिंदवाड़ा में कोई नहीं है प्रतिनिधि? क्या नकुलनाथ जी के अलावा छिंदवाड़ा में कोई नहीं है प्रतिनिधि? और ये दिखाता है कांग्रेस का असली चाल, कांग्रेस का असली चरित्र, कांग्रेस का असली चेहरा, जिसमें परिवारवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसमें सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कमलनाथ जी अपने राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, छिंदवाड़ा की जनता के विश्वास के साथ खेल रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, अगर छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने 45 वर्षों में इतना विकास काम किया होता तो क्या जो उन्हें नोट बांटने की जरूरत पड़ती? कल की आपको भी और हमको सबको खबर है किस तरह जिला महामंत्री अपनी कार में 5 लाख रुपए भरकर वहां की जनता को बांटने का काम कर रहा है। कांग्रेस ने कई वर्षों से देश बांटने का काम किया है, अब कांग्रेस नोट बांटने का काम कर रही है। जिस तरह आप बताएं लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र से की जा रही है, ये कांग्रेस का असली चरित्र है। आज छिंदवाड़ा की जनता को आपको पैसे से खरीदने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, ये जनता अब भ्रमित नहीं होगी, जनता अब जागरूक है। छिंदवाड़ा की जनता हो या पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस कर रही है, परिवारवाद कांग्रेस फैला रही है, और अगर विकास के लिए कोई काम कर रहा है, विजन के लिए काम कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित राष्ट्र 2047 के लिए काम कर रहा है, जो विजन के साथ काम कर रहा है, जनता के विकास के लिए काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस की तरह बंटवारे का काम नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप मुझे जवाब दें, अगर कमलनाथ जी ये तय कर पा रहे थे कि उन्हें कुछ महीनों पहले तक कि उन्हें भाजपा में रहना है या उन्हें कांग्रेस में रहना, जो नेता ये नहीं तय कर पा रहे वो क्या भविष्य के लिए? लेकिन कमलनाथ जी तो कांग्रेस में ही है, कांग्रेस से उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कमलनाथ तय नहीं कर पा रहे हैं कि बीजेपी में रहना है कि कांग्रेस में रहना। इसको कुर्सी और इसको सत्ता का लोभ ही कहते हैं क्या? छिंदवाड़ा में कांग्रेस के किसी और कार्यकर्ता ने 45 वर्षों में काम नहीं किया? नकुलनाथ जी ही प्रतिनिधि के तौर पर क्यों सामने आए? पहले इसका जवाब दे मुझे, क्या कांग्रेस में कोई प्रतिनिधि अवेलेबल ही नहीं था कांग्रेस के पास? कांग्रेस के दफ्तर में बहुत जल्द ताला डलने वाला है, जिस तरह विधानसभा के चुनाव में जनता ने नतीजा दिया है। अब कांग्रेस समझ चुकी, क्या छिंदवाड़ा की जनता भी समझ गई है कि अब विकास अगर होना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होना है, और अगर कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावड़े जी हैं होनी है तो कांग्रेस जी बिल्कुल गुंजन चौकसी जी रुकना चाहूंगा। अमित तावड़े जी, बीजेपी कह रही है कि बार बार कमलनाथ, बार बार नकुलनाथ को आगे लाया जा रहा है, किसी और कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया जा रहा। अब छिंदवाड़ा की जनता समझ चुकी है कि वोट किसको देना। चलिए अच्छी बात है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी समझने लगे हैं कि बदलाव की जरूरत है। जैसे देश की जनता ये समझ रही है कि 10 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, अब बदलाव करना है। और रही बात कमलनाथ जी की, जी कमलनाथ जी का और छिंदवाड़ा की जनता का जो रिश्ता है वो आपने हमने सबने देखा है। अब वो इस बार की बात करें या 1998 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रभारी बनकर आए थे, तब भी वो किला ढह नहीं पाया था जी। बिल्कुल, तो अब क्या करेंगे वो? और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री उनको बार बार बुला बुला के अपने पास नहीं ला पाए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं कर पाए। मेरी बहन ये बात कह रही थी कि जिनको यही कंफर्म नहीं था वो कांग्रेस में भाजपा में। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि एक बाइट कमलनाथ जी की ऐसी बता दें जिसमें उन्होंने कहा हो कि मैं भाजपा में जा रहा हूं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बनाया गया एक प्रोपेगेंडा था जो सब जनता। मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बहुत अच्छी मेरी बहुत अच्छी बहन हो आप, बीच वरना मैं बीच में बोलूंगा तो फिर डिबेट कंप्लीट नहीं हो पाएगी, है ना। तो वरना मैं बता देता हूं, मोहन यादव जी तमाम कांग्रेसी नेताओं पर डोरे डालते रहते हैं। अभी हमारे आदिवासी प्रत्याशी जो हैं ओमकार सिंह मरकाम, जबलपुर में जब वो गए तो मुख्यमंत्री ने कहा वहां कहा भाई यहां आ जाओ आप, तो मरकाम जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। तो जब 400 सीटें आ ही रही हैं तो आपको दूसरे नेताओं कार्यकर्ताओं पर डोरे डालने की क्या आवश्यकता है? और रही बात छिंदवाड़ा की,
तो मैं चैलेंज के आपसे आपके साथ आपके चैनल पर बोल रहा हूं, जितनी सीट अभी मध्य प्रदेश में है, छिंदवाड़ा तो आप छोड़िए, छिंदवाड़ा तो हम रिकॉर्ड बहुमत से जीत रहे हैं, छिंदवाड़ा के अलावा भी मध्य प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़ने जा रही हैं, मैं आपके चैलेंज में ये दावा कर रहा हूं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं 29 पे 29 यदि 29 की 29 नहीं आई तो फिर वो लोग क्या करेंगे, इस बात का जवाब जो है वो देना चाहिए। दूसरी बात, 4 लाख की बहुत बात हो रही है, अरे देश की जनता ये जानना चाहती है 4,000 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणियां करी हैं, ये देश जानता है कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। आप छिंदवाड़ा की बात मत करिए, वो तो जनता वहां की बता ही देगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की आप प्रतिनिधि भी हैं, उस पार्टी के सदस्य भी हैं, ये बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी कब बोलेंगे, या अमित शाह जी कब बोलेंगे, या अभी नड्डा जी आए थे, नड्डा जी ही कुछ 2-4 बातें बोल देते तो हम मान लेते। देखिए कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा में इसलिए हैं क्योंकि वहां की जनता उनको चाहती है। यह आपके हमारे कहने से नहीं होगा कि स्टूडियो में बैठ जाए या गुंजन चौकसे जी बैठ जाए, उनको वहां की जनता जिता रही है ना। यह आप तो तय नहीं कर सकते कि आप जो है वो छिंदवाड़ा से क्यों लड़ा रहे हो। अब मैं तो गुना की बात करता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, मेरे साथ ही थे डॉक्टर केपी यादव जिन्होंने इतिहास रचा सिंधिया जी को हराकर, क्या कसूर था उनका, क्यों टिकट आपने काटा, महल के आगे आप लोग झुक गए, राजशाही के आगे आप लोग झुक गए, उनको आपने टिकट क्यों नहीं दिया, एक सामाजिक बहुत अच्छे प्रत्याशी थे आपके, उनका टिकट आपने क्यों काटा, इस बात का जवाब दीजिए आप। जी बिल्कुल, हमारे साथ दिनेश निगम जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, गुंजन चौकसे जी, अगर आप मांगना चाह रहे हैं मुझसे जवाब तो दिनेश निगम जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद आपका जवाब। दिनेश निगम जी, देखा जाए तो बीजेपी लगातार 400 पार, एमपी में 29 की 29 सीटें, क्या लग रहा है कि बीजेपी अति आत्मविश्वास में, कहीं इसका नुकसान बीजेपी को ना भुगतना पड़ जाए। देखिए ये जो अति विश्वास की बात आप कर रहे हैं, ये बात जो है प्रधानमंत्री और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी, जी ये अपने कार्यकर्ताओं में एक नहीं दो दो तीन तीन बार कह चुके हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, बहुत आत्मविश्वास में नहीं रहना है, जमीन में अपने को रहना है, जमीन में जो जिम्मेदारी मतदान केंद्रों से लेकर के जो कार्यकर्ताओं को जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है उसको उसका निर्वहन करना है और समय समय पे उसको उसके जो भी काम दिए गए हैं उसका नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी जिम्मेदारियां उसका निर्वहन भी करना है। अब सवाल ये है कि यहाँ 400 पार की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सवाल ये है कि कोई भी पार्टी जब सरकार में रहती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस तो होता है, कोई ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। कांग्रेस ने भी जब 2014 के पहले चुनाव हुए थे तो उसमें भी कांग्रेस ने 2014 में जो उनको रिजल्ट मिला वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही मिला, क्योंकि उस ओवर कॉन्फिडेंस पे थे कि नहीं हम इस बार भी जो है सरकार बना रहे हैं और मनमोहन जी ही तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। इस तरह से वो भ्रम पाल लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल 400 पार का जहां तक सवाल है तो मुझे नहीं लगता है कि जो देश की स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कांग्रेस का प्रवेश या कांग्रेस का पुनर्प्रवेश जो है साउथ में देखने को मिल रहा है, तो उससे मुझे ऐसे लगता है कि ये 400 पार का आंकड़ा कहाँ से पूरा करेंगे। भाई साउथ में अगर उनको मजबूती नहीं मिल पा रही है, जिस तरह अभी कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, एक स्टेट का और चुनाव हुआ तेलंगाना का, वहां देख लीजिए, वहां कांग्रेस ने खोई हुई प्रतिष्ठा पुनर्जीव जागृत कर ली, तो फिर आप ये बताइए अगर आप इस तरह से आंकड़े आपके जो फेल होते रहे तो 400 का आप आंकड़ा कहां से किस आधार पर पार करेंगे। दूसरी बात, बिहार में एक भारतीय जनता पार्टी ने एक गेम जरूर खेला है जो मीडिया के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने एक गेम खेला कि जहां उनकी सरकार नहीं थी या जहां से उन्हें उम्मीद कम थी कि लोकसभा में हमें यहां गड़बड़ हो सकता है, 2024 में हम माइनस हो सकते हैं, वहां उन्होंने सबसे पहला प्रयास तो ये किया कि फूट डालो, राजनीति करो, और फूट डाल करके या तो उन्होंने उसको अपने तरफ मिलाया और यह फिर इस तरह फूट डाल दी कि न वो इनका रहा न वो उनके साथ रहा जिनके साथ वो सरकार पे बैठे हुए थे, है ना। वो सिर्फ उन्होंने ये पॉलिसी इसीलिए अपनाई ताकि कम से कम उनका जो अस्तित्व है वो बरकरार रहे, उससे एवं में जाए माइनस में नहीं जाए। और वो इसके एक नहीं कई उदाहरण है, आप देखिए तो आप बिहार देख लीजिए,
बिहार में आप जो नीतीश जी से जिस तरह से इनका मनमुटाव हुआ था और उसके बाद नीतीश जी से जिस तरह से प्यार और लगाव बढ़ा इनका, ये सब ये इसके उदाहरण है जी। तो ये उन्होंने प्रयास कर्नाटक में भी एक प्रयास किया लेकिन अब सफल तो नहीं हो पाए। अब क्यों नहीं हो पाए ये वो लोग उनके शीर्ष नेता जाने, लेकिन प्रयास तो उन्होंने किया। अभी ये भी कहा जाता है मीडिया के माध्यम से कि दिल्ली में जो जो कुछ भी राजनीतिक घटनाएं घटी, सीएम गिरफ्तार हुए, सीएम चुनाव के रहते हुए सीएम जुडिशियल के निर्देश पे जेल गए, तो जो आंकड़े लगा रहे जो एक वो माहौल मैंने पैदा किया जा रहा, ऐसा मीडिया का मानना है, ये मेरा मानना है, मेरा 43 साल का जो अनुभव कि वो सिर्फ जो है इस तरह से माहौल इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि किसी तरह एन के एन प्रकार दिल्ली में जो साथ की साथ है वो तो हमको चाहिए चाहिए, आसपास में जहां वो माइनस हुए थे उनमें भी अपना वो जो है वर्चस्व बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी जो उनकी नजर है वो दिल्ली का जो स्टेट विधानसभा है जी, उसमें अपनी किसी तरह इनके इन प्रकार उनको प्रवेश करना है जी, बिल्कुल। इस तरह से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, एक मिनट आप का और लूंगा, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है 29-29 जीतने का दावा उन्होंने पिछले बार भी किया था, उसके पहले भी किया था, है ना। तो जो स्थितियां बनी आज की स्थितियां ये है कि मैंने भी कहीं जाकर के लोकसभा क्षेत्रों में जाकर मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास खोई हुई प्रतिभा छिंदवाड़ा तो थी एक, तो इस बार कांग्रेस जो है प्लस में जाएगी माइनस में नहीं। अब उसको भले 2 से मिले 4 मिले 3 मिले 5 मिले लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो दो तो 3-4-5 क्षेत्र हमने देखा, जैसे मुरैना ग्वालियर उधर विंध्य प्रदेश की तरफ मैं गया था, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि विंध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत हो सकती है, उधर मुरैना ग्वालियर से भी उनको और राजगढ़ से उनको कुछ फायदा मिल सकता है। गुंजन चौक से हैं बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी एक तरफ दिग्गजों को उतार रही है और फिर इमोशनल कार्ड खेल रही है, क्या दिग्गजों की दम काम नहीं आ रही है छिंदवाड़ा में? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राजनीति में एक ही चीज की है, वो किया है काम किया है, विकास किया है। अभी जो बात हो रही थी कि चार, लेकिन छिंदवाड़ा में आपके एक के बाद एक दिग्गज नेता आ रहे हैं, उसके बाद नहीं है, इसे उसके बाद इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि बाहरी प्रत्याशी है, कमलनाथ बाहरी है, नकुलनाथ बाहरी। देखिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए तो मैं बिल्कुल बात सुनूंगी जी, बिल्कुल। विश्वास की बात आपने रखी थी कि विश्वास क्या है, ये 400 पार का विश्वास के पीछे का आधार है, वो आधार ये है कि जो काम कांग्रेस 55 वर्षों में देश के लिए नहीं कर पाई वो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में पूरा किया है। आर्थिक व्यवस्था से शुरू करूंगी, 11वें पैमाने पे थी कई वर्षों से, उसे मात्र 10 वर्ष में 5वें पैमाने पर लेकर आए हैं। 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, महिलाओं को घर चलाने से लेकर देश चलाने में उनकी हिस्सेदारी दी है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 370 विपक्ष फिर भी आप पे आरोप लगाता है, अगर विकास हुआ है गुंजन जी, गुंजन चौकसे जी, आप विकास की बात कर रहे हैं, विपक्ष बार बार कहता है महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, और रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड की उसको देख लीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो इनने अभी मैं उस पर आ रही थी अगला कि मैं खंडन करूंगी अमित जी की बात का, इनसे जब 4 लाख वाली बात पूछी गई तो इनका कहना था कि उसका उन्होंने समर्थन दिया कि आप पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बताएं। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक प्रक्रिया है, अगर आप पूरे आंकड़े देखेंगे तो भी जितने सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के हैं उस हिसाब से अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भी बहुत कम मिले हुए इलेक्ट्रल बॉन्ड, लेकिन जो कांग्रेस को मिले हैं उससे 5 गुना ज्यादा मिले हैं, जो इंडी गठबंधन को मिले हैं उससे 10 गुना ज्यादा मिले हैं। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे चूंकि आप सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, कैश गाड़ी में लेकर जनता की लिस्ट के साथ छिंदवाड़ा की कि किसको 500 रुपए देना है, किसको 1000 रुपए देना है, चुनाव प्रचार के सारे सामान वस्तु के साथ अगर गाड़ी में आपके जिला महामंत्री जा रहे हैं उसे आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, उसे आप आचार संहिता का वॉयलेशन नहीं कहेंगे, उसे आप जनता को खरीदने जैसा काम नहीं कहेंगे। जनता जिसे भारतीय जनता पार्टी भगवान रूप में पूछती है उस जनता को पैसों का लोभ देना एक क्राइम है। और आप चुनाव में अगर आपने इतना ही काम किया होता, अमित जी बार बार कमलनाथ जी का नाम ले रहे थे, शायद आप भूल गए आपके प्रतिनिधि नकुलनाथ जी हैं, मान भी लेते हैं क्योंकि कांग्रेस ने तो परिवारवाद का देखिए ठेका ले रखा है, अगर मान भी लूं मैं कि कमलनाथ जी ने काम किया है, अगर काम किया होता तो उन्हें नोट बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां की जनता को नोटों से खरीदने का लोभ देने की जरूरत नहीं।
नहीं पड़ती। अमित तांबड़े जी से सवाल ले लेते हैं। अमित तांबड़े जी आता है 400 पार कांग्रेस प्रवक्ता अमित तांबड़े जी, देखा जाए बीजेपी बार बार कह रही है कमलनाथ डरे हुए हैं, कमलनाथ डरे हुए हैं इसलिए अपने गढ़ को नहीं छोड़ पा रहे। देखिए सबसे पहले तो एक झूठ का पर्दाफाश मैं कर दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो एक गलत बयानबाजी की जा रही है। मान लीजिए 100 रुपए सारी पार्टियों को मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, तो उसमें से 56 रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, 11 रुपए कांग्रेस को मिले हैं। इनका इनका थोड़ा सा माइक स्लो करा दीजिए, इस तरह से बहस नहीं कर पाऊंगा मैं। अमित तांबड़े जी बोली, बोलूं मैं जी बोली, और यदि मैं एक भी बात गलत बोल रहा हूं तो आप लोग केस कर सकते हो मेरे ऊपर। 100 रुपए में से 56 रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले, 11 रुपए जो है वो कांग्रेस को मिले और बाकी अन्य टीएमसी और सारे दलों को मिले। लेकिन शक इसलिए हो रहा है, कथनी और करनी में अंतर इसलिए है क्योंकि जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मिला है, केंद्र में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और वो सारे ठेके दिलवा सकती है। आप कल्पना करिए जिन एजेंसियों का उसमें नाम आया, जिन कंपनियों का उसमें नाम आया है, जिस दिन छापा डलता है उसके अगले दिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे देते हैं। अब आप समझिए यदि 11 रुपए में कांग्रेस को चंदा दिया भी है तो कांग्रेस आज की डेट में कौन सी एजेंसी पर दबाव डाल के छापा डलवा सकती है या सेंट्रल के जो है ठेके दिलवा सकती है। और दूसरी बात, ये छिंदवाड़ा की बार बार 4 लाख रुपए की जो बात हो रही है, ये किसने, आप देखिए आपकी सरकार तो पंच से लेके प्रधानमंत्री तक आपके हैं, मध्य प्रदेश में देश में सब जगह आपकी सरकार है, तो आप तो कार्रवाई करिए ना। और कौन सी पब्लिक ने ये कहा है, कहीं से भी एक ऐसा वातावरण बना देना कि 4 लाख रुपए बट रहे थे ये हो रहा था, क्या किसी जनता ने वहां पे कहा, कोई क्या आपके पास किस चीज का प्रमाण है? हम तो कहते हैं कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। आप 4 लाख की बात कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, यदि चुनाव में कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई करना चाहिए। हम वैसे लोग नहीं है कि जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में हजारों वकील जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि ईवीएम बैन करिए, वो बता भी रहे हैं कि कैसे ईवीएम हैक होती है, उसके बाद भी ईवीएम को लेकर ऐसी हठधर्मिता बताई जा रही है। हम लोग उस तरह के लोग नहीं है, 130 साल पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग हैं, सबसे ज्यादा लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी और एक नैतिकता वाली पार्टी यदि है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जी बिल्कुल, दिनेश निगम जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश निगम जी, देखा जाए तो इस बार जो छिंदवाड़ा को भेजने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष है, विपक्ष अपनी आवाज पूरी दमखम के साथ नहीं उठा पा रहा है। नहीं, क्या है कि मैंने आपके कई बार डिबेट में इस बात को उठाया है जी कि कांग्रेस के साथ जो मेरा अपना मानना है कि सबसे बड़ी कमजोरी जो है कांग्रेस के पास वो ये है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है, उनके यहाँ नेताओं की भीड़ है, कार्यकर्ताओं की कमी है, ऐसा मेरा मानना है जी। क्यों? और उसी का कारण ये है कि अक्सर जब भी चुनाव आते हैं तो उनको कार्यकर्ताओं की कमी के कारण जो है मुंह की खानी पड़ती है कई जगह उनको। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ये एक बात तो कही जा सकती है और कहीं क्या देखी जा सकती है, आम बिल्कुल सामने दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती और चुनाव होने के बाद भी वो गंभीर रहती है। ऐसा नहीं कि मैंने वो अपनी गंभीरता से हट जाती है, वो उस चीज का विश्लेषण करती है कि हम जीते तो कैसे जीते, जहां हमने 15% वोट थे वहां हमको 16% वोट मिले तो कैसे मिले, ये वो लगातार गंभीरता से विचार करती रहती है। कांग्रेस में ये बहुत बड़ी कमी रहती है कि कांग्रेस ऐन मौके पर आ जाकर के सजग होती है और बिल्कुल जो है तैयार होकर के और सामने फाइट करने के लिए आती है। सवाल ये, अगर कांग्रेस ने भी इसी को गंभीरता से लिया होता या ले करके चुनाव में अपना विस्तार और अपने मतदान केंद्र तक अपने लोगों को फैलाया होता या जाल नेटवर्क बनाया होता, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो सुस्ती की बात कर रहे हैं वो आपको कहना पड़ता है ना। निश्चित रूप से वो देखने को मिलता है कि कांग्रेस भी किस तरह से फाइट करने के लिए आगे आकर के और कैसी फाइट कर रही है। भाई सवाल ये है कि अगर आप उस किसी चीज को ऐन मौके में गंभीरता से लेंगे तो समय, एक तो आपके पास समय का अभाव रहता जी, दूसरी बात ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनका निदान करने में आपको समय लग जाता है, तब तक चुनाव सर में आ जाता है, वोटिंग हो जाती है और उसकी गिनतियां शुरू हो जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये दो चीजों का बड़ा वो है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये है कि वो चीज गंभीरता से लेती है
और कांग्रेस में जो सबसे बड़ा जो मैंने देखा कि वहां कार्यकर्ताओं की कमी और नेताओं की जो भीड़ होती है उसके कारण कई बार कांग्रेस को पीछे जाना पड़ता है। समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा। बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, दिनेश निगम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमित तावड़े जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरीके से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही किसी भी तरीके से कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा को भेदने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी हुई, एक के बाद एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता छिंदवाड़ा में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। अब बीजेपी इमोशनल कार्ड खेल रही है, बीजेपी कह रही कि नकुलनाथ और कमलनाथ ये बाहरी प्रत्याशी हैं, आप अपने यहाँ के प्रत्याशी को वोट दीजिए। इसका कितना असर जनता पर जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस बिग डिबेट में इतना ही, आप देखते रहे स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।